हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा पाइथन के फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में जो IBM पावर्ड है। यह है मेरे पाइथन का सर्टिफिकेट जो मैंने हाल ही में कंप्लीट किया है। मुझे इसे कंप्लीट करने में लग गए 30 मिनट। वैसे ये कोर्स है 5 घंटे का, लेकिन अगर आपको पाइथन पहले से आता है या फिर अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आप इसे सिर्फ 30 मिनट में ही क्रैक कर सकते हैं। आप इस सर्टिफिकेट को अपने रिज्यूम में लगा के अपने रिज्यूम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, जब तक आपको कोई लैंग्वेज अच्छे से ना है किसी भी सर्टिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं होती। तो आप कोशिश करिए इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करें या फिर ये कोर्स कहीं से सीखें। गाइस, इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको एग्जाम भी देना पड़ता है। हर क्वेश्चन का आपको एक या दो अटेम्प्ट मिलता है। अगर आपने ज्यादा क्वेश्चन गलत किए उस केस में आपका सर्टिफिकेट नहीं आता। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप 100% सर्टिफिकेट पा सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको इस कोर्स के लिए कैसे रजिस्टर करना है। आप इस कोर्स पे रजिस्टर करने के लिए cognitiveclass.ai को ब्राउजर पे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास आएगा। फ्री कोर्सेस साइन अप पे क्लिक करिए। आप यहां पे गूगल से साइन अप कर सकते हैं, तो अपने गूगल अकाउंट से आप यहां पे साइन अप कर लीजिए। आपको यहां पे अपना डालना है फुल नेम और पासवर्ड, यहां पे डाल के आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लीजिए। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलने लग जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास कोई भी कोर्सेज में आपने इनरोल नहीं किया है। तो यहां पे एक्सप्लोर कोर्सेज पे आप क्लिक करिए, सारे फ्री कोर्सेज का आपको यहां पे लिस्ट मिलने लग जाएगा। तो यहां पे आप कोई भी कोर्स अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट करता हूं पाइथन फॉर डेटा साइंस को। यहां पे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इनरोल पे क्लिक कर लीजिए। इनरोल करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आना स्टार्ट होगा। इसमें आपको बताया गया है इस कोर्स के पूरे सिलेबस के बारे में। यहां आप जब नीचे आके देखेंगे तो आपको यहां पे मिल रहा होगा पाइथन बेसिक, डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, नंपाई, पांडास, ये सारी चीजें इसमें आपको बताई गई हैं। और इसके बाद आप स्टार्ट कोर्स पे क्लिक कर लीजिए। स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहां पे पहला वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसे चाहें तो देख सकते हैं। मैं भी फिलहाल के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको बताया गया है कुछ नॉलेज के बारे में, कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में। आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं अभी नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा होगा। इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का वो बताया गया है। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया है डिटेल सिलेबस के बारे में कि आप इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे। तो अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं भी फिलहाल के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। और इसके बाद बताया गया है आपके एग्जाम को पास करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। आपको 70% मार्क्स यहाँ पे गेन करना है। और यहाँ पे मैं फाइनली नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से आप अपना एग्जाम देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सर्टिफिकेट आपको 100% मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पे फिर से बता दूँ कि आप ये कोर्स पूरा कंप्लीट करिए, आपके लिए ज़्यादा एडवांटेज होगा। आप सिर्फ आंसर मैच करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर है थर्ड। आप इसमें टिक करिए और सबमिट करिए। तुरंत आपको यहाँ पे रिजल्ट भी मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है देयर इज नो आउटपुट। आप इसमें टिक करिए, सबमिट करिए। हर क्वेश्चन पे आपको यहाँ पे 2 अटेम्प्ट मिलता है। आप पहले पूरा वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देख लीजिए, उसके बाद ही आउटपुट दीजिए। यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा नेक्स्ट का ऑप्शन। नेक्स्ट पे क्लिक करिए, आप नेक्स्ट सेगमेंट के क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। नाउ यहाँ पे आपको जो पहला क्वेश्चन मिल रहा है इसका आंसर है इंट। इंट पे टिक करिए और सबमिट करिए। पहले पूरे वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देख लीजिए, आपको सारे आंसर उसी के थ्रू मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बुल ब्रैकेट में 1, बुल ब्रैकेट 1 आप यहाँ पे लिख लीजिए और सबमिट कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करिए नेक्स्ट सेगमेंट के क्वेश्चंस पे आने के लिए। नेक्स्ट पे अगेन क्लिक करिए। सो यहाँ पे आप लैब असाइनमेंट भी बना सकते हैं। मैं भी हाल में नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आपको बनाना है। यहाँ पे आपका आंसर है नंबर 2, इसे टिक करिए, सबमिट करिए। इसका आंसर है 1, सबमिट करिए। लैब असाइनमेंट बनाने कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए इसको जरूर बनाएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे आप आ गया स्ट्रिंग मॉड्यूल पे। स्ट्रिंग के क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगेन यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर है 7, सबमिट कर दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है LI। LI पे टिक करिए और सबमिट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 0426। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 12। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है myware.upper। सबमिट कर दीजिए और नेक्स्ट मॉड्यूल पे आ जाइए। नौ यहां से हमको लिस्ट सेट वाले मॉड्यूल पे आ गए हम। पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A3 और A-1, सबमिट कर दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है B और C, इसे आप टिक कर लीजिए।
और अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के क्वेश्चंस पे। ये कोर्स वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए बी सी जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए सी। आप इसे सबमिट कर दीजिए और इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट के क्वेश्चंस पे आ जाइए। नेक्स्ट पे आ जाइए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डिक्शनरी वैल्यू 012। इसे सबमिट कर दीजिए। नेक्स्ट का आंसर है 1 और नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। लैब असाइनमेंट देना कंपलसरी नहीं है लेकिन प्लीज़ आप दीजिए ना। इसका जो आंसर है ये 0, इसे सबमिट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 2, इसे सबमिट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 0, इसे सबमिट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 444। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है लिस्ट आर म्यूटेबल टपल आर नॉट। सो हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। सो हम यहाँ पे कंडीशंस के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। आप पहले वीडियो देख लीजिए ना। इसका आंसर है 1-1 और 1000। नेक्स्ट का आंसर है दिस इज ए। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पे आ जाइए। ना इसका आंसर है 345। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आपको मिलेगा वो है 12 और नेक्स्ट पे आ जाइए। सो हमारा लूप मॉड्यूल पे हम अभी काम कर रहे थे। नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल है वो है फंक्शन का। नाउ पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है 11। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है द फंक्शन इज़ नॉट वैलिड। फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पे। अभी तक हम लोगों ने फंक्शन तक का मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है। इन सारे क्वेश्चन में आपको 50% मार्क्स मिलता है। हम आ गए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉड्यूल पे। ना जो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन है वो है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वन। सबमिट कर दीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फर्स्ट वन। इसे सबमिट कर दीजिए और नेक्स्ट मॉड्यूल पे आ जाइए। नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। ना नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हाय माइक। इस पे आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट का आंसर है 112233। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा व्हेन द इनपुट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आपको आंसर मिलेगा व्हेन द इनपुट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आपको मिलेगा वो है बी डॉट शॉर्ट। फिफ्थ जो क्वेश्चन है इसमें उसका आंसर है ए एंड बी। इसे सबमिट कर दीजिए और नेक्स्ट मॉड्यूल पे आ जाइए। नेक्स्ट नेक्स्ट पे आप क्लिक करते जाइए। आप आगे के मॉड्यूल्स पे आते जाएंगे ना। यहाँ पे आपको पांडास का मॉड्यूल आना स्टार्ट हो गया। पहले का आंसर है सेकंड वाला, इसे आप टिक करिए और सबमिट कर लीजिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यस, इस पे आप टिक करिए और सबमिट कर लीजिए। देन यहाँ से आप आगे नेक्स्ट मॉड्यूल पे ना। इसका आंसर है बुलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सेव द डेटा फ्रेम। सबमिट कर लीजिए और नेक्स्ट मॉड्यूल पे आ जाइए। नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ से आप एपीआई इंस्टॉलेशन सीख सकते हैं जो बहुत काम का है। वैसे मैं अभी आगे आ जाता हूँ नेक्स्ट पे है ना। इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होगा ये पढ़ने से। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नेक्स्ट पे क्लिक करिए ना। पहले क्वेश्चन का आंसर है पहला वाला रीड द फाइल।
सेकंड क्वेश्चन का आंसर है राइट द फाइल, और थर्ड क्वेश्चन का आंसर है अपेंड द फाइल। सबमिट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर है फर्स्ट फाइव रोज। सबमिट कर लीजिए। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पे आ जाएंगे आप। सो अब हम आ गए अपने नंपाई वाले मॉड्यूल पे। इसका आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जीरो। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पे आ जाइए। नाउ यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है यस नो। नो नो पे टिक करिए और नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है थर्ड वाला, इसे आप टिक करिए, सबमिट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आपको आंसर मिलेगा वो है जीरो, जीरो सेलेक्ट करिए, सबमिट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वह सेकंड वाला इलेवन इलेवन इलेवन। ना नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा np.a, b। सो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके नेक्स्ट मॉड्यूल पे आ जाइए। अब सो हम लोगों ने यहाँ पे अपना नंपाई का मॉड्यूल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। सो अब हम आएंगे अपने फाइनल एग्ज़ाम पे जो एक घंटे का है। तो इसके लिए आपको पहले अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर लेना है। नाउ यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। हमारा टाइमिंग देखिए वो भी स्टार्ट हो चुका है, तो हम यहाँ पे आंसर देना चालू करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नाउ यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर है सेवन। नेक्स्ट का है बुल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 246। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है अपर। एट क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे सी। नाइन क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा 21, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 1, 2, 3, 4 लिस्ट वाला। 12 वाले क्वेश्चन का आंसर है a+b। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है, ज़्यादातर क्वेश्चन वही हैं जो आपने पहले बनाए थे, गो माइक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है अगेन गो माइक। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है 1, 1, 2, 2, 3, 3। क्वेश्चन नंबर 21 का आपको आंसर मिलेगा 1। 22 का आंसर है self.x and self.y। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है x=1 and y=2। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है x=2 and y=2। क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, आप इसे इजीली क्रैक कर सकते हैं। रीड सबमिट कर लीजिए। सो यहाँ पे हम लोगों ने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, और ये जो एक घंटे का एग्ज़ाम है इसे सिर्फ हम लोगों ने 3 मिनट में कर लिया।
आप ऊपर टाइमिंग दिख रहा होगा, हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 मिनट में कंप्लीट किया है ना। इसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पाइथन का बैच जो आप अपने CV में लगा सकते हैं, अपने मेल पे या फेसबुक में लगा सकते हैं और पाइथन प्रोग्रामर अपने आप को बता सकते हैं। आप इसे लिंक्डइन में भी शेयर कर सकते हैं, जो आपके जॉब प्रोफाइल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज भी रहेगा ना। इसके पहले आपको यहाँ पे सर्वे देने के लिए बोला जा रहा है, आप यहाँ से सर्वे दे दीजिए और इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा नेक्स्ट में आपको पाइथन का बैच कि आपने ये पाइथन का कोर्स कंप्लीट किया है। साथ ही साथ आपको ऊपर मिलेगा ऑप्शन फाइनल एंड करने का, तो आप यहाँ पे एंड पे क्लिक कर लीजिए और प्रोग्रेस पे क्लिक करते ही आपको आपका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस कोर्स को पूरा कंप्लीट पढ़िए। शॉर्टकट से आप सिर्फ सर्टिफिकेट पा सकते हैं, नॉलेज नहीं।